स्मृति चित्रण के अंतर्गत बैट बॉल, तो ऊपर 15 सेंटीमीटर और इस तरफ से आप जो गहराई है आप 1.5 सेंटीमीटर रख सकते हैं, 2 सेंटीमीटर भी रख सकते हैं, वो आपको बैट, क्योंकि बैट की चौड़ाई कम रहेगी और लंबाई आपको 15 सेंटीमीटर के आकार में दिखाइए, क्योंकि चित्र आपका परीक्षाओं में 15 सेंटीमीटर ही पूछा जाता है। तो दिखाए गए विधि से आप जो मध्य की रेखा थी, मध्य की रेखा के दोनों तरफ आपका भाग बराबर होना चाहिए, इससे आपका बैट बिल्कुल सीधा और एकदम स्पष्ट हो जाएगा। ये आपका बॉल बैट बन चुका है। अब बैट में स्टिकर, लोगो कुछ बना देते हैं, जिससे ये आपका काफ़ी रियलिस्टिक समझ में आए। परीक्षाओं में आपको तभी ज़्यादा नंबर मिलते हैं जब आपका चित्रण रियलिस्टिक समझ में आए, काफ़ी अच्छा समझ में आए और परीक्षकों को आकर्षित कर सके, उसी आधार पर आपको नंबर मिलते हैं। यहाँ पर आप कुछ कोई भी नाम लिख सकते हैं, हम यहाँ पर इंडिया, भारत लिखते हैं। आप लोग अपने मन से कुछ भी लिख सकते हैं, वो अपना एक लोगो बना सकते हैं। इससे बैट बॉल जो है काफ़ी अच्छा रहेगा और ये परीक्षाओं में प्रायः पूछा जाता है, तो आप लोग इसको ज़रूर बनाइएगा। जहाँ जहाँ पे इस तरह डार्क दिख रहा है वहाँ पे आपको शेड का प्रयोग कर देना है, या इस तरह से आप लोग रंग भी कर सकते हैं, पेंसिल कलर कर सकते हैं, वैक्स कलर का उपयोग कर सकते हैं, ऊपर ब्राउन, बीच में थोड़ा सफ़ेद भाग जरूर छोड़ दीजिएगा, वो बिल्कुल चमक वहाँ पर दिखाई देगी। तो इस तरह से देखिए काफ़ी सुंदर बैट बन चुका है, इसको ज़रूर बनाइएगा, आपको काफ़ी अच्छे नंबर दिलवाएगा ये।